हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि बेटा एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस कितनी है r और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है v। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, करंट लूप की तरह, क्योंकि सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो करंट लूप की तरह ये बिहेव करता है। एंड इट पोसेस सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसके अंदर बेटा जब ये करंट आएगा तो करंट की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा और इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसका फॉर्मूला है आई इंटू ए। क्लियर है? अगर सर करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला था कितना था, आई इंटू ए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसके मूव करने से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो करंट आई चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ई टाइम टी, मतलब कि टी इसका टाइम पीरियड है। क्लियर है? तो यहां से बेटा मैंने टी की वैल्यू फाइंड आउट करी, टाइम कितना लगेगा। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब ये कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब कितना डिस्टेंस कवर करा सर्कल के अंदर, एक सर्कल में कितना रास्ता कवर किया, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लो, यानी 2πr। डिस्टेंस तो ये हो गया, वेलोसिटी हो गई v। तो टाइम की इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास आया बेटा आई, ई की जगह ई, बस ये टाइम की वैल्यू को मैंने नीचे पुट कर दिया, 2πr डिवाइड में v था वो ऊपर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको? अब एक बात और समझिए आप, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। क्लियर है? सो द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो क्योंकि सर्कल में घूम रहा है और सर्कल की जो करंट लूप है उसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई इंटू ए, यहां पर बताया था आपको। तो बेटा यहां पर आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने म्यू एल से रिप्रेजेंट कर दिया, कई बुक्स में एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? तो वो कोई इशू नहीं है कि किस वर्ड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आई इंटू ए, जो कि हम यहां पर बता भी चुके हैं। क्लियर है? इससे पहले हम एक टॉपिक में और कर चुके हैं ये। तो आई कितना है, करंट ईवी बाय 2πr, ईवी बाय 2πr। एरिया सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हमने कैंसल आउट किया तो देखिए पाई से पाई कैंसल, आर से ये स्क्वायर कैंसल, तो मेरे पास बचा ईवी आर बाय 2। क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब बेटा बोहर ने, आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे या 8th चैप्टर में, 8th यूनिट में, हम इस क्लास में भी करेंगे फिजिक्स में भी, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी आर। क्या फॉर्मूला है, एम वी आर। मैंने एम को यहां लिखा है एम ई, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एम वी आर, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड कर दीजिए दोनों को, इक्वेशन 1 में म्यू एल है, डिवाइड में इक्वेशन 2 में एल। तो जब मैंने डिवाइड किया बेटा, डिवाइड करने के बाद अपने पास बचेगा ई अपॉन 2me, ई अपॉन 2m, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहां से देखिए म्यू एल, म्यू एल ये डिवाइड में l था, ऊपर गया मल्टीप्लाई में ई अपॉन 2m, ई अपॉन 2m। क्लियर बेटा, ये आ चुका है अब हमारे पास। अब बोहर की एक और कंडीशन है कि L इक्वल टू एन एच बाय 2π, ये भी हमें किसने बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, बोहर ने बताया। N की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, अप टू 100। क्लियर? N हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है यहां पर।
तो L की वैल्यू NH by 2 pi, अब ये वैल्यू है लेकिन आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो क्या है मेरे पास, mu L is equals to NEH upon 4 pi ME, सॉल्व करके मेरे पास बेटा लास्ट में ये आया, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा यहां पर देखिए आप, हमारे पास आया था मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू n इंटू ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। क्लियर है? तो अगर यहां पर n को मैं 1 पुट कर दूं, यानी कि ऑर्बिटल कौन सा हो, फर्स्ट ऑर्बिट हो, और एटम कौन सा, हाइड्रोजन। तो देखिए बोहर मैग्नेटोन को डिफाइन करते हैं, अब हम यहां से एक नई टर्म आती है यहां हमारे पास, दैट इज बोहर मैग्नेटोन। क्या है? इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। बोहर मैग्नेटोन क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट ही है। किसका है मैग्नेटिक मूवमेंट, उस इलेक्ट्रॉन का जो कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है हाइड्रोजन एटम के, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता हो, यानी एन को 1 पुट कर दो, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। क्या बोलते हैं? बोहर मैग्नेटोन। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे बोहर मैग्नेटोन। देखिए एन की वैल्यू, यानी कि बेटा एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ई एच अपॉन, देखिए म्यू बी, बोहर मैग्नेटोन को म्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। क्लियर है बेटा? अगर एन को 1 पुट कर दें तो ये तो म्यू एल, देखिए तो यहां एन को 1 पुट कर दें तो ये टर्म किसके इक्वल है, म्यू बी के, तो ये आ गया म्यू बी, और इधर क्या बचेगा, म्यू एल। n इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू मिनिमम होगी ना, क्योंकि n की सबसे छोटी वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये मिनिमम वैल्यू है म्यू एल की। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका है? तो ये था हमारा बोहर मैग्नेटोन। अब देखिए कह रहे जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन, अभी तो मैंने बोला था चक्कर लगा रहा है ये, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आया म्यू एल। क्लियर? लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। क्या करता है? स्पिन। एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाना, और एक अपने खुद के एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाना, खुद के एक्सिस के, उसको क्या बोलते हैं, स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका, वो कितना आएगा, माइनस ई एस अपॉन एम, माइनस ई एस अपॉन एम, एस क्या है, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बेटा? तो अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू L और म्यू S, ये म्यू L था और ये म्यू S, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? ओके बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।